पापा के क्या रोल होते हैं, फादर के क्या रोल होने चाहिए? सो आई थिंक a new era of dads has been born. Yeah, I'm surrounded by brilliant dads. Yep. Brilliant dads. And these dads, so I run a school and I have hundreds of dads जो daily basis पे pick up, drop off के लिए आते हैं. And these dads are ये सिर्फ traditional fathers की तरह office जाना, घर आना, बच्चों को डांटना, discipline करना. No. ये फादर्स ऐसे फादर्स हैं जो बच्चों को इमोशनली नर्चर करते हैं, सेंसिटिव होने में डरते नहीं हैं और अपने बच्चों को भी इमोशनली सेंसिटिव बनने से डरते नहीं हैं. बॉयज डोंट क्राई डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर बिकॉज ये फादर्स क्राई भी करते हैं anymore. They are coming. Yeah, there are like more people coming and becoming like this. Coming and becoming like this. And these are the fathers जो अपने बच्चों को सिर्फ जीतना and ये सब celebrate नहीं करते, failure में भी उनके साथ में walk through करते हैं. ये fathers का best part पता है क्या लगता है मुझे? Gender roles नहीं है. ये fathers potty भी clean करते हैं बच्चों की, ये fathers खाना भी बना देंगे और ये fathers मम्मी का भी सारा काम करेंगे, पापा का भी सारा काम करेंगे. कोई जेंडर कुछ होता ही नहीं है इनके लिए. एंड वी सी बहुत सारे फादर्स नाउ कमिंग अप एंड डूइंग थिंग्स लाइक दिस. व्हेन आई एम आउट वर्किंग, आई ट्रैवल सो मच फॉर माय वर्क, माय हस्बैंड इज देयर. जा दोनों बच्चे, ही विल टेक केयर. एंड आई थिंक दोज आर द फादर्स जो इस जनरेशन के हीरोज हैं, बिकॉज अभी तक नर्चरिंग का काम सिर्फ माए करती थी. नाउ फादर्स भी नर्चर करते हैं बच्चों को, सिर्फ प्रोवाइडर्स नहीं है फैमिली के, नर्चरिंग कर रहे हैं. एंड हार्वर्ड का एक रिसर्च कहता है कि फादर्स का माइंडसेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू चाइल्ड का माइंडसेट. मीनिंग फादर जितना फिटनेस में, बिजनेस में, विमेन जो है उनकी लाइफ में उनको रिस्पेक्ट करने में जितने ज़्यादा प्रो है, बच्चे डायरेक्टली उनसे ब्लूप्रिंट लेके अपना माइंडसेट वैसा ही बनाते हैं. बट क्यों इम्पोर्टेंट है ये? मे बी बिकॉज ट्रेडिशनली रोल्स तो ऐसे हैं ना कि फादर विल टीच, प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली, प्रोवाइडिंग, अचीवमेंट, ऑब्जेक्टिविटी, मॉम नर्चर सिखाएगी, इमोशन सिखाएगी, ऑल ऑफ चीज. लाइक फादर एंड मदर का रोल बहुत क्लियर होते थे, राइट? तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? जब फादर नर्चरिंग या इमोशन सिखाता है ना, तो बच्चा परसीव्स इट वेरी डिफरेंटली. तब बच्चे को, बॉय को स्पेशली, एक ये विश्वास होता है कि मेरी इमोशनल साइड भी मुझे होन करनी है. मुझे सिर्फ यू नो जॉनी ब्रावो रोबस्ट नहीं बनना है, मुझे मेरे अंदर एक सॉफ्टनेस होना भी ज़रूरी है. एंड इन दिस टुडेज एज, दैट emotional side in any individual is very necessary. Why? Because world is changing so rapidly. तो हमारे अंदर वो एक emotional intelligence होगा, that communication, that social behavior, that social skills, networking, ये सब मुझे मेरे father से gift मिलता है. But don't you think कि जो fathers achievement सिखाते हैं, because I agree with the point कि blueprint जैसे बच्चे एकदम पापा के माइंडसेट को, पापा के रूटीन को, पापा के बिहेवियर को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं 100%. मतलब देयर इज नो टू डाउट्स अबाउट इट, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं. तो जो फादर्स गो गेटर एटीट्यूड, स्ट्रीट स्मार्टनेस, ऑब्जेक्टिविटी, अचीवमेंट, जीतना ही है जाके, टफनेस, विजन, ये सब सिखाते हैं. सो ज्यादा बच्चे ज्यादा लाइक दे डू इट बेटर. सो नाउ वी हैव कॉम्बिनेशन ना, तब कैसा था सिर्फ. बट हाउ डू यू थिंक इज अ कॉम्बिनेशन? कभी ऐसा कॉम्बिनेशन कैसे होगा कि पापा तुम्हारे लिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि तुम्हें सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन का मिला है, वर्सेस पापा ताली बजा रहे जब तुम फर्स्ट आए हो? ये कॉम्बिनेशन कैसे होगा? सुनो, लाइक पापा तो एक ही होंगे, पर्सनैलिटी होगी, बच्चा भी एक ही होगा ना कि यार पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है घर में, अचीवमेंट की है. यहाँ पार्टिसिपेशन की बहुत वैल्यू है, अचीवमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने एफर्ट डालना. फॉर एग्जाम्पल, जब हम बच्चे को ट्रेन करते हैं कि जाके जीत के आना, गिव योर बेस्ट, नहीं हुआ तो पापा ट्रेडिशनली पापा के डांटेंगे, ये ठीक से नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया, अब मेहनत करते थे कितना, ये टाइम पास करते थे. और ये फादर क्या बोलते हैं कि बच्चा यू गिव योर बेस्ट, यू नो व्हाट, इट्स ओके, यू नो व्हाट, अभी हम फिर से लेट्स वर्क हार्डर और ज्यादा फोकस और... नहीं बल्कि वो फादर बच्चे के साथ बैठ के गोल सेटिंग कर रहा है कि ऐसे ऐसे करो, इस तरह से करते हैं, लेट्स डू इट. दे आर बीइंग फ्रेंड्स, कंपेनियंस विद द बच्चा एंड हेल्पिंग देम ग्रो एंड नरिश. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.